ड्रोन है यार तू। यार ये ऊपर क्या डरे हुए अरे वाह पता नहीं भाई ये प्रिंस कहाँ कहाँ घुसवा रहा है आज हमें, देते बंदे रहेंगे भी कि नहीं। बट क्या ही प्यारा, देख रो यहाँ से देखो ये भाई, देख लो कैसे रास्ते से ले जा रहे हैं मेरे को, माँ कसम। वो भाई मैं नहीं गिरना चाहिए, मैं घर का ही लौटता हूँ भाई, तो बनाना पड़ेगा भाई। कौन कौन चाहता है कि मैं यहाँ पर आके एक कैंपिंग व्लॉग बनाऊँ, कमेंट करके मेरे को बता देना। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग वीडियो, जय श्री राम सभी भाई लोगों को। तो गाइज आज का सीन कुछ ऐसा रहने वाला है, तुम्हारा भाई जाने वाला है एक प्यारी सी वीडियो बनाने के लिए। अभी देख सकते हो भाई अपनी रैपिड हो रही है थोड़ा बहुत कॉल स्टार्ट, यहाँ पर अपनी बैनम और यहाँ ये तो नंदी महाराज है, यहाँ पर अपनी बैटमैन भाई, ये तीनों की तीनों खड़ी है, दो तो खड़ी रहती है ज़्यादातर भाई। बट क्या चमक रही है देख रहे हो, ये चेक करो भाई क्या चमक मार रही है, स्क्रैचेस तो क्या ही बोलूँ इसके। बाकी चलते हैं भाई फटफट यहाँ से, थोड़ा बहुत बाइक में भी काम कराना है। देख रहे हो इतनी गंदी हो रही है ना भाई, भाई पूरी भयंकर गंदी हो रही है, पिछले ब्लॉग में भी मैंने बताया था। तो चलते हैं यहाँ से इसे धुलवाते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या सीन है, उसके बाद मिलते हैं भाई फिर देखते हैं। अभी मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, देखते हैं भाई। बाकी जो जो चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम में भी प्यार दिखाओ भाई, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं भाई गोप्रो में। तो चलो भाई निकालते हैं भाई राफेल को बाहर। और भाई आज पहले तो मैं इसको धुलाई करवा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यार बहुत टाइम से धुलाई नहीं कराई है, कपड़ा मार के ही काम चला रहा था मैं इसमें, इसको धुलवाते हैं। उसके बाद फ्यूल भी इसमें कम है, थोड़ा बहुत फ्यूल भरा लेंगे 100-150 रुपये का, ज़्यादा पैसे है नहीं भाई अपने पास। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा भाई, मतलब अपनी न्यूट्रल में ना ये बाइक थोड़ा इसकी चैन कट 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 करती है, देखते अगर कोई मैकेनिक फ्री होगा तो वही काम करा देंगे इसमें भी, चैन का कट 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 करती है यार वो, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। अगर किसी भाई को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो डाला था कि यूपी के बॉय से ऐसा वैसा कुछ करके था जो मेरा, वैसे तो मैंने रिप्लाई कर दिया उस भाई का, बट भाई मैं यहाँ पर भी बोल देता हूँ, वो भाई बोल रहा था भाई अगर मैं होता तो मैं सामने ही बोलता। तो भाई अगर आप वीडियो ढंग से देखोगे ना, मैंने वो तेज़ बोल रखा है, उन्हीं लोगों के सामने बोल रखा है, और ध्यान से देखोगे तो वो लोग उसके बाद मतलब ज़्यादा कुछ बोला नहीं उन लोगों ने। बाकी भाई अब ये तो था नहीं कि मैं लड़ाई करता फिरता भाई उनसे, हर चीज़ का समाधान भाई लड़ाई नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई सुन के इग्नोर करके शांत भी हो जाते हैं ना, और वीडियो में मैंने इसलिए बोला भाई ताकि आगे से लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। अभी आ गए थे मेरे को प्रिंस भाई की कॉल, सीन ऐसा बन रहा है उसकी बाइक यार सेल्फ नहीं ले रही है, पता नहीं मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी, उसमें सेल्फ नहीं ले पा रही, क्या बोलते हैं सेल्फ जो गरारी होती है भाई उससे कुछ प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, तो क्योंकि पहले बीच में भी एक बार हुआ था ऐसा सीन उसके साथ। चलो देखते हैं अगर उसकी बाइक स्टार्ट हो गई तो ठीक है, वरना भाई मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ। फिलहाल मैं देखता हूँ भाई अगर सर्विस सेंटर मतलब वॉशिंग सेंटर भाई खुला होगा तो वॉश करवा लेते हैं बाइक और फिर भराएंगे इसमें फ्यूल, देखते हैं। हाँ मैं ही आऊँ क्या? चल आता हूँ मैं उधर ही, अबे धुलाई भी करानी थी यार मेरे को। चल ठीक है आता हूँ। तो लो भाई प्लान हो गया चेंज, जैसा कि मैं बोल ही रहा था प्रिंस भाई की बाइक स्टार्ट तो हो नहीं रही है, तो अब मेरे को पहले इसमें फ्यूल भराना पड़ेगा। टू 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 भाई जी प्रणाम, 300 का डाल दो। अरे ये डाल दो, क्यों गरीबों का आटा गीला, क्यों गरीबों का आटा गीला करना है
पता नहीं है तुम्हें हम डुंगेदार वाले वही क्या आदू लसन है भाई चलो भाई चलो भाई फ्यूल अपना भर चुका है। अब रही वॉशिंग के बाद तो भाई वो तो होगी बाद में, पहले जाना है मेरे को प्रिंस के पास। भाई क्या क्या दिक्कत आ रही है आजकल लड़कों की बाइकों में, समझ नहीं आ रहा है भाई। अब मैं जाने वाला हूँ उसके गांव, मुझे पता भी नहीं है वैसे, बट चलते हैं। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आग मत लगाओ भाई हर जगह। लोग एक दूसरे पे तो लगा ही रहे हैं, बट आप लोग जंगलों में तो मत लगाओ कम से कम। भाई धुंध के चक्कर में ना कुछ सामने आसपास कुछ व्यू भी नहीं दिख पा रहा है भाई, देख रहे हो इतना भयंकर धुंध हो रखा है। कुछ ज्यादा ही आग वगैरह लग रही है यार। अब आज आप लोगों को सुरसिंगार लेके चलते हैं जरा भाई। या आहा ओ ओ ओ ओ ओ और हमको जाना है प्रिंस के घर, हमें मैकेनिक, हमको करनी है उसकी बाइक ठीक। उनको पता है तुम्हारा भाई थोड़े बड़ा काम करता रहता है, अभी पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। भाई कसम से क्या सीन हो रखे भाई, प्रिंस अपने गांव के प्रधान पुरधन जो भी है भाई उसे बोल के रोड वगैरह बनवाओ थोड़ा, क्या ये झटके झटके लग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं आया होगा भाई तुम्हारे प्रधान को। भाई कैसे देख रहे थे वो बच्चा। ये मंदिर भी काफी प्यारा है भाई। ना भाई अभी तो अपने को नहीं पता, बट हम भी ले जाएंगे जहाँ तक जाएगी। अब पता नहीं भाई किसी और के घर में तो नहीं है। अबे यहाँ कहाँ ले जाओ भाई, अबे यहाँ ले, अबे भैंस की टांग, भैंस ऐसा पता नहीं कहाँ है। अबे ये कहाँ है, अबे वो उतर गया भाई, ये कहाँ कहाँ से ले जाता है वे बाइक। भाई साहब तौबा तौबा, अबे ये कब कब उतरा है मेरे पीछे से। क्या होगा क्या इसे भेज दो गाइस। बच्चों से तुमसे ना हो पाएगा।
भाई तुम्हारा भाई मैकेनिक बन चुका है भाई ये देख ले मैकेनिक दूसरा खोल दूसरा ये कौन है तो बटर देख कौन है अब तो ये सीट हटानी है एक खोल लो वाले ए छोरा हेलो छोरा ए छोरा व्लॉगर्स की मुश्किल जिंदगी आई समझते हो व्लॉगर्स की और क्या कुछ कहना चाहोगे क्या आप कुछ कहना चाहोगे तभी तो अच्छा कहाँ जा रहे थे रील बनाने क्या डरे अरे अरे लाजवाब चेक करेंगे ना ओके ओके या ओहो अरे भाई मोटर राइडर फॉर अ रीजन भाई ₹500 लगेगा गाइस उसने मेरे को बहुत जोर से बुलाया था यही फर्क है बस एक एक्सपीरियंस राइडर में और एक नूब राइडर में बस भाई जो इसकी ये सेल्फ रिले होती है ना भाई ये खराब हो चुकी है इसके कारण ही हुआ भाई ये सारा सीन तो चलो भाई मुड़ाते हो गई फिलहाल बाइक स्टार्ट मन बोला था ना तुम्हारा भाई हाफ मैकेनिक है भाई हाफ मैकेनिक यह है कि भाई इसलिए बोलता हूँ मैं थोड़ा बहुत अगर अपने को नॉलेज है ना किसी चीज़ का तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को या गुर 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 बाकी कर दिया हमने फिलहाल बाइक स्टार्ट और उसकी सेल्फ करा रही भाई वो ख़राब ही हो चुकी है वही चेंज होगी सेल्फ रिले बोलते हैं शायद करा रही नहीं भाई सेल्फ रिले बोलते उसे भाई इन चीज़ों में तो मैं आज भी कंफ्यूज होता रहता हूँ भाई कहाँ कहाँ ऊपर कहाँ से जाना है यहाँ से बाइक जा लेगी चल ट्राई करने में क्या जा रहा पता नहीं भाई ये प्रिंस कहाँ कहाँ घुसवा रहा है आज हमें जीते बंदे रहेंगे भी कि नहीं नशे तो नीचे ही मिलेंगे भाई कह रहा भाई मैं वाली स्कूटी ले गया भाई स्कूटी तो चल जाएगी ना भाई बाइक थोड़ी ना बाइक में तो दिक्कत होगी होगी हमें चलो फिर भी ट्राई करने में कौन सा कुछ जाता है भाई ओए गया गया खत्म भाई फंस गया ना ये देखो भाई भाई बस H1 में यही दिक्कत है कि H1 थोड़ा प्रॉब्लम करते ही करता है स्कीट मारता है भाई या भाई साहब कोई प्लान में नहीं था गाइस ये सब बट ये हो गया अचानक ही देख लो इस घने जंगल में बाइक लेके आ गए कोई भरोसा ही नहीं था पता ही नहीं था ऐसा कुछ सीन भी है चलो मिलते हैं फ़ोन पे तो गाइस अपनी बाइक को यहाँ पर छोड़ के
मैं और प्रियांशु भाई जा रहे हैं कुछ खाने की तलाश में, देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है क्या नहीं। पैदल पैदल जा रहे भाई, इतना दिमाग काम नहीं करो, ऊपर आते टाइम ही कुछ लेके आ जाते, बट नहीं, तब तो थोड़ा सियाना बनना था ना हम लोगों को, फटफट ऊपर चढ़ना था बस, क्या ही बोले भाई। देखते हैं भाई पैदल पैदल जाएंगे अब नीचे नीचे इस प्यारे से व्यू के साथ भाई, बट क्या तगड़ा सीन है। और मेरा ये वाला जूता सस्ता एयर जॉर्डन का, इतना गंदा स्कीट मार रहा है कि अरे भयंकर हालत खराब भाई, क्या लग रहा है अब गिरते तब गिरते। अरे यार टूरिस्ट वगैरह भी आ रखे हैं यार, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है सारे इन लोगों की। बहुत तेज हो रहे हो। चलो भाई चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या लाते हैं, दुकान खुली रहेगी तो ठीक, नहीं रही तो जाएंगे होटल से। भाई देख लो कैसे रास्ते से ले जा रहे हैं मेरे को, माँ कसम। वो भाई मैं नहीं गिरना चाहिए, मैं घर पे इकलौता हूँ भाई, भाई दोनों इकलौते हैं और दोनों जा रहे हैं इस घने जंगल से। मैं तभी तो बोल रहा था ना उधर से चलते हैं ब्रो, यार पता नहीं कहाँ कहाँ से ले जा रहा है भाई। टच मिलते हैं भाई थोड़ी देर में। तो गाइस इतनी सारी ये जो भी दिख रहा है ना, इसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, मुझे पता है भाई कहाँ कहाँ गए हम, कैसे कैसे जंगलों से गए। दर्द हो रहा है इसके पिछवाड़ों में, दर्द हो रहा है मेरे भी हो रहा है भाई पैरों में, पर हमें दर्शन हो गए थे दर्शन पूरे पूरे हुए भाई, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो समझना भी मत, हम बहुत गंदे लड़के हैं, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो ये खाते हैं रील्स बनाते हैं जब देखते हैं आगे का सीन। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, फिलहाल एक मंदिर है यहाँ पर, आगे जा रहे हैं यहाँ से, और ये सामने देख रहे हो एक स्विमिंग पूल टाइप का है भाई, बट वहाँ पानी नहीं है भाई, पानी होता तो पक्का हमने नहा जाना था, लेकिन हम तो है भी खतरनाक गंदे ना। देख लो भाई चलते मंदिर के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो गाइज ऐसा कुछ है भाई यहाँ का ये मंदिर, और नाम क्या है यहाँ का, सूर्य देवी। तो सूर्य देवी मंदिर करके है कुछ भाई, बट क्या ही प्यारा है, देख लो यहाँ से देखो ये अंदर जाके कोई फायदा अभी है नहीं, क्योंकि भाई यहाँ बंद हो रखा है, तो वापस ही जाएंगे और कुछ हम कर नहीं सकते हैं फिलहाल। और यहाँ देख लो भाई मोटर लग रही है भाई, और वो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो इसलिए लग रही है कि यहाँ जो स्विमिंग पूल है इसमें पानी पूनी भर जाए, तो बनाना पड़ेगा भाई। कौन कौन चाहता है कि मैं यहाँ पर आके एक कैंपिंग ब्लॉग बनाऊँ, कमेंट करके मेरे को बता देना, कैंपिंग ब्लॉग कर लेंगे भाई, मतलब दिन में आ जाएंगे यहाँ, पूरा खाने पीने की व्यवस्था ले आएंगे अपने लिए पूरी की पूरी, और ये साफ सूफ करेंगे, नहाएंगे धोएंगे भाई। कौन कौन चाहता है भाई कमेंट करो भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं तब बाद में। A few moments later. So finally guys आ चुके हैं भाई हम वो ऑफ रोड का एरिया छोड़ छाड़ के भाई, बट खतरनाक जगह थी भाई वो। और कैंपिंग का कौन कौन वेट कर रहा है भाई, मतलब कमेंट करके बताना मेरे को, यहाँ पे कैंपिंग मैं कर लूँगा भाई, मतलब कुछ भी होगा देखी जाएगी, आप लोग बस कमेंट करके बताना, ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।